देखिए बच्चों, जो ये मैं लेक्चर ले रहा हूँ कंपनीज अकाउंट का है, और ये जो नोट्स सामने खुले हुए हैं बच्चों, ये साइट पर अवेलेबल है, आईसीआई की साइट पे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये बेसिक नोट्स हैं, ये फाउंडेशन के कोर्स में, ये कंपनी लॉ का बच्चों एक बेसिक लेक्चर मैं एक एफर्ट्स कर रहा हूँ कि कंपनी लॉ के बारे में हम थोड़ा जाने। और बच्चों बेसिकली कंपनी लॉ में एक चीज मैं और सबको बोलता हूँ, जब आप पर्टिकुलरली लॉ का पेपर देते हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी इंग्लिश पे भी ध्यान रखिए कि इंग्लिश एटलीस्ट ठीक लिखिए, इन्फ्लुएंशियल लिखिए, ताकि एग्जामिनर इन्फ्लुएंस हो पाए। क्योंकि लॉ में बच्चों एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आप लीगल लैंग्वेज लिख रहे हो और आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सटीक है, और आप, क्योंकि ये इसमें इकोनॉमिक्स के जैसे आप ये नहीं लिख सकते कि कुछ भी इंडियन इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक सोच सोच के लिख दी या कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में लिख दिया, क्योंकि लॉ तो लॉ है। अब बच्चों जो कंपनीज एक्ट है इंडिया में, ये 2013, इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था हमारी कंट्री में। और अभी कौन सा कंपनीज एक्ट है बच्चों? विच कंपनीज एक्ट इज गोइंग ऑन? 2013। और इसमें बच्चों 19 में भी बहुत अमेंडमेंट आए, टाइम टू टाइम बहुत सारे अमेंडमेंट आते रहते हैं। और जो आज का हमारा लेक्चर है वो बहुत बेसिक है, और एक कंपनी की लाइफ में क्या क्या और पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, जो ये बताने लग रहे हैं कि एक तो कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, क्योंकि थोड़ा छोटा हो रहा है स्लाइड में। ये मैंने आईसीआई की साइट से ही लिया है, तो कोई भी इसको देख सकता है, सीए की साइट पे ये नोट्स रहते हैं। ये देखिए कंपनी की बच्चों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए बच्चों एक चीज समझिए, एक वर्ड आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। इसको इसको इसका फायदा उठाने के लिए क्या बनाई जाती हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई जाती है। किसको, किसके लिए? लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए क्या बनाई जाती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई जाती है। यहां तक बात समझ आ रही है? जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, यदि प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम कितने शेयर होल्डर? दो, और मैक्सिमम कितने? 200। और यदि प्राइवेट पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7, मैक्सिमम 9 लिमिट। ये बच्चों डिफरेंस होता है दोनों। जॉइंट स्टॉक, स्टॉक का मतलब यहां पर शेयर से होता है। जैसे बच्चों एक इंग्लिश वर्ड के अनेक मीनिंग होते हैं, तो स्टॉक वर्ड एक तो वो भी होता है कि जो स्टॉक है। एक स्टॉक वर्ड क्या है? जो स्टॉक ऑफ गुड्स है, स्टॉक ऑफ WIP है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। यहां पर स्टॉक का मतलब होता है बच्चों शेयर्स। यहां पर स्टॉक का मतलब क्या है? शेयर्स है। ज्वाइंट शेयर्स, ज्वाइंट स्टॉक, सब लोगों का पैसा लगा हुआ है कंपनी में। अब कंपनी के लिए कुछ बेसिक बातें हैं बच्चों। एक तो बच्चों सबसे बड़ी कंपनी चलती कैसे है? कंपनी में तीन तरह की कंपनीज बहुत फेमस है। वैसे एक जमाने में दो हुआ करती थी, अब तीन हो गई। दो पहले होती थी, एक प्राइवेट लिमिटेड, एक पब्लिक लिमिटेड। अभी तीन कैसे हो गई है? एक वन पर्सन कंपनी भी हो गई है। देखिए बच्चों, लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कोशिश करी? लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर देने के लिए गवर्नमेंट ने ये कोशिश करी कि यार क्या करो, लोगों को कंपनी की आदत डाल दो। लोगों को क्या आदत डाल दो? कंपनी की आदत डाल दो। और उससे क्या होगा, लोग बर्फ, देखो बिजनेस है, बिजनेस में हम लोग बोलते हैं ऊपर नीचे लगा रहता है। बिजनेस में क्या होता है? उतार चढ़ाव रहता है। तो जब बिजनेस में बच्चों उतार चढ़ाव रहता है, तो जी, तो जब बिजनेस में बच्चों उतार चढ़ाव रहेगा तो इंसान को ये, देखिए एक चीज को थोड़ा सा फील करते हैं पर्सनल लेवल पे। एक ह्यूमन है, एक्स, मिसिज एक्स है, उनके दो बच्चे। एक्स रिस्क ले रहा है, जॉब नहीं कर रहा है, अपनी कंपनी खोल रहा है। चलो वो वन पर्सन कंपनी खोल रहा है या दो लोगों के साथ मिलकर खोल रहा है, अपनी वाइफ को शेयर होल्डर बना दे रहा है, प्राइवेट कंपनी खोल रहा है, गॉड फॉरबिड उससे नुकसान हो जाता है, और कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, तो सर उसके बच्चे और वाइफ का जो घर का आसरा है वो भी गया, क्या होगा? सर उसके घर घर भी बिक जाएगा ना, यदि लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। और ये सोल प्रोपराइटर में होता है। इसका तोड़ गवर्नमेंट ने क्या निकाला? पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड होता है। गवर्नमेंट ने इसका तोड़ बच्चों ये निकाला, सोल प्रोपराइटर के लिए भी ओपीसी बना दी। गवर्नमेंट को ये बात समझ आ गई कि बिजनेस के लॉस से परिवार क्यों सफर करे। सर क्या गलत कह रहा हूं मैं? बिजनेस के लॉस से परिवार क्यों सफर करे? उसका घर क्यों बिके? बिजनेस की प्रॉपर्टी बेचो। देखिए एक हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं सेपरेट एंटिटी। बिजनेस अलग होता है और घर अलग होता है। तो सर किसी का
किसी का मेरा ये कहना है बच्चों, बिजनेस के लिए, ये दो क्यों आ रही है, इसको हटा देता है, ठीक है। किसी के लिए बच्चों बिजनेस के लिए उसका घर क्यों बिके, उसके बीवी बच्चे बेचारे क्यों सड़क पे आए, तो गवर्नमेंट ने इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या किया, क्या बनाया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने सोल प्रोपराइटर को क्या बोला कि भैया तू 1% कंपनी बना ले और तेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। तू ओपीसी बना ले, तेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। ये गवर्नमेंट ने किया ऐसा। अब गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप को क्या बोला कि तुम एलएलपी वो बना लो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना लो, तुम्हारी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। पार्टनरशिप का भी तोड़ निकाल दिया एलएलपी, सोल प्रोपराइटर का तोड़ क्या निकाला, 1% कंपनी निकाल दिया। अब आ जाओ तीसरा, कंपनी तो पहले ही लिमिटेड है और उसमें भी दो कंपनीज बना दी प्राइवेट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बस ये बोल दिया कि तुम जनता से क्या नहीं ले सकते, फंड्स और शेयर्स नहीं ले सकते। ये किया ना गवर्नमेंट ने, व्हाट गवर्नमेंट डिड, तो गवर्नमेंट ने सबको करीब करीब कौन सी लायबिलिटी दे दी, लिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोपराइटर को ओपीसी का ऑप्शन दिया, पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी का ऑप्शन दिया, दिया ना एलएलपी एक्ट 2008, और कंपनी को क्या ऑप्शन दिया, कंपनी तो पहले ही लिमिटेड थी। तो ये इससे क्या हुआ कि जो इससे बच्चों एक फायदा ये हुआ कि जो बिजनेसमैन है और जो उसके बच्चे हैं वो सड़क पर नहीं आएंगे। अब क्या होगा, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। अब आता है थोड़ा कंपनी के बारे में बात करते हैं, जो हम अभी पढ़ने लग रहे थे कि कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है। कंपनी का बच्चों यहां पर कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंपनी में हो क्या रहा है, जनता के पैसे से कंपनी चल रही है, और यदि प्राइवेट कंपनी है तो हम उसको बोलने लग रहे हैं ये क्लोजली हेल्ड है। कौन सी कंपनी है ये, क्लोजली हेल्ड। क्लोजली हेल्ड क्या होती है, जो मिनिम आस पास में जान पहचान के लोगों के होते हैं शेयर्स। इसका क्या मतलब है, सपोज करो हम फ्रेंड्स हैं, पड़ोसी हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अलग चीज है, वो तो एक परिवार में पैदा होने चाहिए या उस परिवार की में बहुएं बन के आए, वो उसके मेंबर होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, कोई भी फ्रेंड्स इसको बोलते हैं सेम आइडियोलॉजी के लोग जिनकी आपस में बनती हो। पार्टनरशिप का इंप्रूव्ड वर्जन है प्राइवेट कंपनी, और उसमें मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर होते हैं, और जिनको क्या कहा जाता है उन 200 शेयर होल्डर को कि भाई मैक्सिमम 200 है और आपस में तुम पैसे लगा सकते हो, लेकिन आउटसाइडर से पैसे प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करोगे, आम जनता से ना डिबेंचर लोगे ना शेयर्स लोगे। क्या करोगे तुम, यू विल बोरो मनी ओनली फ्रॉम होम, फ्रॉम द नो फ्रॉम द सेम आइडियोलॉजी ग्रुप हु कैन बिकम शेयर होल्डर बट देयर नंबर कांट एक्सीड 200। उसमें एम्प्लॉयज वाले शेयर होल्डर शामिल नहीं है और पुराने वाले भी शामिल नहीं है, ऐसा कुछ है 200 की काउंटिंग में किस किस को लेना है, ठीक है। अब आता है बच्चों कंपनी, फिलहाल ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं ये दोनों पे लागू होती है, प्राइवेट कंपनी पे भी। देखिए कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, इसको हम बोलते हैं कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल, एक वर्ड आता है मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। सर कोई भी आएगा जाएगा, एक ह्यूमन है, उसकी लाइफ लिमिटेड है, तो आगे उसके सक्सेसर्स होते हैं। सक्सेसर कौन होते हैं, उत्तराधिकारी, जो क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे। मान लीजिए एक्स की डेथ हो गई, तो एक्स की डेथ के बाद जो उसके आगे लीगल ईयर होंगे, इसमें एक वर्ड आता है लीगल ईयर, एग्जीक्यूटर, उत्तराधिकारी। सपोज माई फादर एक्सपायर्ड एंड ही गेव अस सम प्रॉपर्टी, सो वी हैव बिकम द ऑनर नाउ। इफ सपोज वी हैव गॉट अ पेरेंटल हाउस, तो वी हैव बिकम द ऑनर ना, द चिल्ड्रन द सिबलिंग्स नाउ हम मालिक हो गए उसके। तो आगे क्या वो पड़ोसी ने ले ली, पड़ोसी क्यों लेगा, तो उत्तराधिकार का कोई नियम है ना, इसको हम बोलते हैं सक्सेशन, इनहेरिटेंस, एग्जीक्यूटर, लीगल ईयर। देखो बच्चों ये टर्मिनोलॉजी है लॉ की, यदि ये शब्द नहीं आएंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप सोचते रहोगे 100 में से 40 क्यों आए, 30 क्यों आ रहे, यदि ये लीगल टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करोगे, इंग्लिश गलत लिखोगे, नहीं आएंगे नंबर।
बहुत बुरी हालत है लोगों की इंग्लिश में और कंपनी लॉ में खास करके। कंपनी लॉ ऑडिटिंग ये ऐसे पेपर है बच्चों जो पास नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों आगे सुनिए आप। सुनिए आगे, अब आता है बच्चों परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या है? देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी है, लीगल एंटिटी। अब सुनिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, हम कंपनी पे अलग मुकदमा हो सकता है, शेयर होल्डर अलग है कंपनी से। आप कहेंगे सर ये तो हम अकाउंट्स में बहुत पढ़ते हैं। सर लॉ में सोल प्रोपराइटर और बिजनेस एक है। ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। लॉ में सोल प्रोपराइटर और बिजनेस एक है, अकाउंट्स में बिजनेस और सोल प्रोपराइटर अलग। सर प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल अलग होते हैं, कंपनी लॉ के अलग हैं, अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स के अलग हैं। तो ये प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हम नॉलेज के लिए यूज करते हैं कि यार ये प्रिंसिपल है। ठीक है अभी सुनते जाना आपने। सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी अपने नाम से शेयर्स खरीद सकती, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी बेच सकती है, और अपने नाम से जमीन खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और अपने नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकती है, अपने नाम का पैन ले सकती है। कंपनी के लिए बोला गया आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लीगल ज्यूरिडिकल पर्सन, ये कंपनी के लिए बोला गया। परपेचुअल सक्सेशन है क्योंकि बच्चों एक कंपनी में 200 शेयर होल्डर है या 100 शेयर होल्डर है, भगवान चाहेगा तो कभी 100 के 100 एक साथ तो संसार छोड़ के जाएंगे, नेगेटिव सी बात हो रही है। एक आध कोई उम्र दराज होगा चला जाएगा तो आगे कंपनी उसके उत्तराधिकारी शेयर होल्डर बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ध्यान से सुन लो मैंने क्या बोला, ट्रांसफर अलग होता है। ट्रांसफर होता है मैं पैसे लेकर बेच रहा हूं या अपने बेटे को दे रहा हूं। ट्रांसमिशन होता है यदि कोई आदमी मेंटली इनकैपेसिटेटेड हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट के लायक ना रहे या उसकी डेथ हो जाए तो उसके शेयर्स आगे उसके लीगल एग्जीक्यूटर को क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है फिर है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या है और कंपनी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल, ये जुडिशियल लिखा है चलो चल जाएगा, ये जुडिशियल पर्सन है ये गलत है, ज्यूरिडिकल होना चाहिए। अब देख रहे हो बच्चों यदि मुझे छोटी मोटी इंग्लिश आती है तो मुझे पता है कि गलत हुआ, ये ज्यूरिडिकल होता है जुडिशियल नहीं, जुडिशियल तो मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम, अब आता है कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड। अब वेल क्या होता है, वेल वर्ड बोलते हैं घूंघट को। ठीक है वेल किसको बोलते हैं, घूंघट को बोलते हैं। वो कहते हैं एक कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है। अब लोग कहते हैं अच्छा लायबिलिटी लिमिटेड है, एक काम करते हैं इसको ना चीटिंग या फ्रॉड या देशद्रोह का कुछ काम करते हैं, कंपनी बनाएंगे, नाम कंपनी का आएगा, पीछे हम रहेंगे, टैक्स की चोरी करेंगे और कानून तोड़ेंगे, रूल तोड़ेंगे, कस्टम जीएसटी नहीं देंगे, कंपनी बनाकर छिप जाएंगे और पीछे कंपनी का नाम में रजिस्टर्ड रहेगा, ऐसे वैसे कुछ मैनिपुलेट करेंगे। तो बच्चों कंपनी का कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगा जब आप कानून तोड़ोगे। कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या है, आपको एक प्रोटेक्शन है। मान लीजिए सपोज कीजिए मैं किसी को बोलूं कि तुम गवर्नमेंट जॉब में हो तो कहेगा मेरी जॉब सुरक्षित है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट जॉब में वो गलतियां करने लगे तो क्या जॉब सुरक्षित रहेगी, क्या उसकी जिंदगी भर नौकरी परमानेंट है, कुछ भी क्राइम करे उसकी नौकरी जा सकती है। तो उसको जो सुरक्षा मिली हुई थी जॉब सिक्योरिटी की वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी यदि वो कानून तोड़ेगा। तो यहां पर क्या होने लग रहा है, यहां पर वो कह रहे यदि एक कंपनी को क्या प्रोटेक्शन दिया हुआ है, लिमिटेड लायबिलिटी का, और वो कंपनी क्या करने लगे, मिसयूज करने लगे, टैक्स की चोरी करने लगे, कंट्री के अगेंस्ट कुछ ऐसे करने लगे, एनिमी से एलियन से कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि विदेशियों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करो यदि दो कंट्रीज वॉर में है। मान लो इस वक्त रशिया और यूक्रेन की वॉर चलने लग रही है तो यस रशिया और यूक्रेन के लोग क्या टमाटर और प्याज एक्सचेंज कर रहे होंगे। सर जब देश में लड़ाई होने लग रही है बिल्कुल वर्ज पे है, रोज हो रहा है कि वहां पर गोले बरस गए यहाँ हो गया, तो ये वॉर ही तो हो गई ना, अभी भली ऑफिशियली डिक्लेयर ही हो जाएगी एक आध दिन में हो ही गई, तो उससे क्या होगा, ऐसे में कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो ये यदि कोई कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी की आड़ में आकर टैक्स बचाना चाहे, कानून तोड़ना चाहे, तो उस पे ऊपर, और ये बात गवर्नमेंट की नोटिस में आ गई, तो एक वर्ड बोलते हैं द कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड। क्या कर सकते हैं हम, कॉर्पोरेट वेल हटा सकते हैं।
उसका लिफ्ट कर सकते हैं। समझ आया? फिर आता है बच्चों, कंपनी को क्या कराना जरूरी है? आरओसी। कंपनी इनकॉर्पोरेट ही तब होती है जब सर्टिफिकेट कौन इश्यू करता है? आरओसी। अब देख रहे हो बच्चों कितना लिंक्ड होता है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन कब होगी? व्हेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इश्यूड। उस दिन कंपनी क्या बनती है? इज बर्थडे, इज बर्थ प्रूफ। जैसे आपका बर्थ प्रूफ क्या है? नगर निगम का सर्टिफिकेट है। आपको कि मैं ही प्रूफ हूं, मैं तो सामने हूं। सर प्रूफ तो हो, डेट कौन सी है? बेटा बर्थडे कब है? आप बोलो जी मेरा तो 1 जनवरी को है या 29 फरवरी को है। अब 4 साल में एक बार आता तो मैं कहूंगा बेटा एक बार दिखा दो, कोई प्रूफ तो दिखा दो कि बेटा किस दिन पैदा हुए थे। तो या तो आप 10th की मार्कशीट दिखाओगे या नगर निगम का या जिस हॉस्पिटल क्लिनिक में भर्ती हुए वहां का कुछ प्रूफ दिखाओगे। तो यहां पर उस दिन आपका बर्थडे होगा ना, प्रूफ तो आप खुद ही हो सामने जीते जागते हो। अब लेकिन डेट का प्रूफ तो नहीं लिखा हुआ ना यहाँ माथे पे, तो आप क्या बोलोगे? सर ये देख लो मेरी मार्कशीट में भी है और ये मेरा नगर निगम का। ऐसे ही कंपनी का बर्थडे क्या होता है? जब कौन सर्टिफिकेट दे? आरओसी। कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ। उस दिन कंपनी का क्या होता है? बर्थडे होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यही देता है रजिस्ट्रेशन के बाद। और बच्चों कंपनी के लिए ये इजी फाइलिंग होती है, ये जो स्पाइस लिखा है ये एक पूरा अभी एक्रोनिम में मैं पढ़ के बताता हूँ, ये ऑनलाइन फाइलिंग के लिए है बच्चों। आजकल सब कुछ क्या हो गया है? ये बच्चों सिंप्लीफाइड प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कुछ ऐसा है, अभी मैं देख के बताता हूँ एक्रोनिम में कि स्पाइस का फुल फॉर्म क्या है। ये कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में आता है, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर करके है कुछ। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन लिख लो भाई, लिख लो सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा लिखो भाई, पेन से लिखते हुए अच्छा लगता है पढ़ाई करते हुए। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी क्या? इलेक्ट्रॉनिकली। समझ आ गया? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर अ कंपनी क्या? इलेक्ट्रॉनिकली। इसको स्पाइस बोलते हैं क्योंकि आजकल कोई भी कंपनी अब ऑफलाइन नहीं बनती है। जब से डिजिटाइजेशन हुआ, जीएसटी रिटर्न हो, इनकम टैक्स रिटर्न हो, सब पेपरलेस है और सब ऑनलाइन है। ऐसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन भी क्या है? ऑनलाइन है। और फिर है बच्चों कंपनी शेयर इशू करती है, ये कुछ अलग मीनिंग है यहाँ पर, शायद मेरे को देखना पड़ेगा। ये तो इनकॉर्पोरेशन हो गया बच्चों, कंपनी बन गई। कंपनी कैसे बनी? अब कंपनी को बनाता कौन है? यहाँ पर एक वर्ड और आता है, कंपनी को बनाता है बच्चों एक व्यक्ति जिसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर, प्रवर्तक, प्रमोटर, जिसके माइंड में आइडिया आता है कि मैं कंपनी बनाऊंगा। अब बच्चों एक वर्ड और सुना होगा, स्टार्टअप्स सुना होगा आपने, देखा होगा जिसने कभी अमेजॉन बनाई, किसी ने माइक्रोसॉफ्ट बनाई, किसी ने एप्पल बनाई, सबके नाम आप जानते हो। आज उसमें इंडियंस भी बहुत फेमस हैं। रतन सर ने टाटा बनाई, बहुत और बढ़ाया। अंबानी ने रिलायंस, मुकेश अंबानी जी ने बहुत ग्रो करा। तो ये बच्चों ये सब कंपनी के, या धीरूभाई अंबानी अपने रिलायंस ग्रुप के क्या थे? धीरूभाई अंबानी, इन दोनों के पापा क्या थे? वो प्रमोटर थे। तो उन्हीं के माइंड में आया ना, रिलायंस कंपनी बनाते हैं और पूरी दुनिया में राज करेंगे, बड़ी कंपनी होगी, करोड़ों अरबों कमाएंगे, जनता को भी बांटेंगे, खुद भी लेंगे। ये कंपनी का है बच्चों। कंपनी जो है ना ये बच्चों कॉर्पोरेट पैटर्न पे चलती है और डेमोक्रेटिक पैटर्न पे चलती है।